इस मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक ऑफिस से, जहां ऑफिस का मैनेजर सभी को अच्छे से काम ना करने के लिए डांट रहा होता है। लेकिन वो आइको को, जो वहीं पर काम करने वाली एक ब्यूटीफुल वूमेन है, उसे गलती करने पर भी नहीं डांटता, बल्कि वो खुद उससे माफ़ी मांगता है रूड बिहेवियर करने के लिए। आइको के कोवर्कर्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उनका मैनेजर हमेशा आइको की ही तारीफ करता है। ये सिर्फ उनके वर्क प्लेस पर ही नहीं होता, बल्कि वो जहाँ भी जाए लोग आइको को ही एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। एक दिन जब वो सब लंच पर जाते हैं तो सिर्फ आइको को ही कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा पुडिंग मिलती है, और उसी दिन जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो एक सेल्समैन आइको को फ्री में प्रोडक्ट्स के 2 पैकेट्स देता है, जबकि 2 लोगों को सिर्फ एक ही। वैसे आइको के लिए ये एक नॉर्मल डे ही था, क्योंकि उसे ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट यूजुअली मिलती ही रहती है। कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापान की प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि जापान की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में आ चुकी है, इसलिए उन्हें इससे निपटने के लिए एक नया कानून पूरे जापान में लागू करना पड़ेगा, जिसमें देश की सभी खूबसूरत वुमेन्स को ब्यूटी टैक्स पे करना होगा। लेकिन मीडिया में से कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए बोलते हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार है मॉडर्न तरीके का। पर इसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सुंदर महिलाओं को हमेशा ही फाइनेंशियल प्रिविलेज मिलती रहती है, जो अगली पीपल्स के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और साथ ही ये डिक्लेयर भी करते हैं कि ये लॉ जल्द ही लागू होने वाला है, और जो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे जेल हो जाएगी। वैसे ब्यूटीफुल वुमेन्स को इसकी ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें जन्म से ही बहुत सारे फाइनेंशियल प्रिविलेज मिलते रहते थे। कुछ दिनों बाद आइको से एक आदमी मिलने आता है, जो उसे एक मॉडलिंग जॉब ऑफर करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। आइको के कलीग्स ये देखकर जेलस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी के कारण काफ़ी पॉपुलैरिटी पा रही थी, और वहाँ से चले जाते हैं। आइको भी उस आदमी के साथ चली जाती है। तभी सी न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पर फोकस्ड होता है, और पता चलता है कि वो कानून अब लागू हो चुका है। अब जब उस दिन वो सब लंच करने जाते हैं, तो आइको के कलीग फ्रेंड्स अपने अपने 3,000 यान पे कर देते हैं, लेकिन आइको को एक स्कैनिंग डिवाइस के आगे खड़े होने को कहा जाता है। ये डिवाइस वुमेन्स के फेस को स्कैन करके पता लगाता है कि किसी कितना ब्यूटी टैक्स पे करना चाहिए अपनी खूबसूरती के अकॉर्डिंगली। आइको स्कैनर के आगे खड़ी होती है, एंड स्कैनिंग में पता चलता है कि आइको का ब्यूटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो सेकंड लेवल पर स्टैंड करती है, इसलिए उसे 20% टैक्स ज़्यादा भरना होगा, यानी उसे अब 3,000 यान की जगह 12,000 यान पे करने पड़ते हैं, जिससे वो घबरा जाती है। इसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट के बदले में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। अब दोबारा जब वो एक वाटर बॉटल खरीदने जाती है तो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसी की तरह कंट्री की सभी खूबसूरत वुमेन्स को अपनी ब्यूटी के अकॉर्डिंगली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। एक न्यूज़ इंटरव्यूअर आम लोगों से इस टैक्स के बारे में उनके थॉट्स डिस्कस करती है, जिसमें पता चलता है कि आम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहीं एक आदमी कहता है कि मैंने खूबसूरत वुमेन्स पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो उन्हें डेफिनेटली हमसे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए। और एक नोट सो प्रीटी गर्ल बोलती है कि ब्यूटीफुल वुमेन्स को बहुत एडवांटेज मिलते हैं, तो ये लॉ उनके लिए एकदम करेक्ट है। इस कानून के लागू होने से पहले तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद लोगों ने अपने थॉट्स बदल दिए। अब कंट्री के ज़्यादातर लोग ब्यूटी टैक्स के फेवर में थे। अगले दिन अब आइको को उसकी सैलरी मिलती है, वो बहुत एक्साइटेड होकर उसे खोलती है, एंड तभी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल सैलरी से काफ़ी ज़्यादा लो थी। इसी बात को लेकर वो अपने मैनेजर के पास जाती है, पर उसका मैनेजर उसे बताता है कि ब्यूटी टैक्स तुम्हारी सैलरी पर भी लगेगा, यानी तुम्हें यूजुअल से 20% कम सैलरी मिलेगी। मैनेजर काइंडली उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की गलती है। आइको को थोड़ा अच्छा महसूस करवाने के लिए मैनेजर उसे फ्री मील का ऑफर देता है, जब भी वो चाहे। अब बहुत सारी वुमेन्स इस ब्यूटी टैक्स से परेशान हो जाती है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं। वो टैक्स इन्फोर्समेंट ऑफिस में जाती हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाला ऑफिसर बताता है कि इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लो अब बन चुका है, अब वापस नहीं लिया जाएगा। आइको कहती है कि तुम लोग हमारे साथ सबसे बुरा भेदभाव कर रहे हो। इसके बदले वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी ब्यूटी के कारण तुम्हें बहुत फाइनेंशियल प्रिविलेज मिलते रहते हैं, जरा सोच कर देखो और इसे यहीं बंद करो। अब आइको को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे बचपन से ही अपनी ब्यूटी के कारण बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। बचपन में एक बार उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है, पर वो लोग उसे बिल्कुल नहीं डांटते, पर दूसरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं था।
जब कभी भी वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच करने जाती तो वो उसे पे नहीं करने देते थे उसकी ब्यूटी के कारण। यहाँ तक कि अभी भी उसके वर्क प्लेस पर उसको काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती रहती है। उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है जबकि उसके कलीग्स को इन्हीं गलतियों पर बहुत डांट पड़ती है। अब दोबारा वो आदमी उसे कहता है कि तुम ब्यूटीफुल वुमन के पास हमेशा से सोशल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेज रहते हैं जो दूसरे अगली पीपल्स के लिए बहुत अनफेयर है, इसलिए ब्यूटी टैक्स एक काफी अच्छा लॉ है जो सबको बराबर ही देगा। आइको को बेटर फील करवाने के लिए साथ ही वो उसको ये भी बोलता है कि तुम इस सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखो, अपने हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड के कारण तुम पूरी कंट्री में जानी जाओगी। आइको इसके बारे में सोचती है और उसे अब बेटर फील होता है, लेकिन उसका ये हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड कभी भी बदल सकता था क्योंकि जो गर्ल्स ज्यादा टैक्स पे करेगी उन्हें गवर्नमेंट उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उतना ही हाई प्रेजेंट करेगी और सोसाइटी में वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने से पहचानी जाएगी। अब जो जो लोग 20% ब्यूटी टैक्स पे कर रहे थे उन्हें एक टेलीविजन शो में बुलाया जाता है। आइको भी वहाँ जाती है और एक्सप्रेस करती है कि वो इससे बहुत ज़्यादा खुश है और साथ ही बताती है कि इस टैक्स के कारण जहाँ भी वो जाती है उसे पहचान मिल रही है और स्पेशल ट्रीटमेंट भी। बॉयज़ के बीच वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, अब सब जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटी टैक्स पे करने वाली वुमन है। अब टेंशन लेने की बजाय वो खुशी खुशी ज़्यादा टैक्स पे करती है, उसे अपने ब्यूटीफुल होने पर गर्व होता है। आइको का मैनेजर भी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स में सिर्फ आइको को ही लेकर जाता है क्योंकि उसकी ब्यूटी को देखकर उनके बिजनेस पार्टनर्स तुरंत किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। अब कभी भी जब वो कुछ खरीदने जाती है तो वो लोगों को बताती है कि वो 20% टैक्स पे कर रही है और देखती है कि उसके आसपास की वुमेन सिर्फ 5%। इस बार जब आइको को उसकी सैलरी मिलती है तो वो टैक्स से दुखी होने की बजाय इससे खुश हो जाती है और सोचती है कि वही सबसे खूबसूरत वुमेन है। पर उसकी ये सोच कुछ ही समय तक टिकती है क्योंकि उसके ऑफिस में उससे ज्यादा ब्यूटी टैक्स पे करने वाली वुमेन राइको टाजिमा आ जाती है जो 25% टैक्स पे कर रही थी। लोगों के अकॉर्डिंग वो आइको से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हुई। आइको के सभी कलीग्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर आइको बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है क्योंकि अब अट्रैक्शन का सेंटर टाजिमा बन चुकी थी। आइको अब ये तय करती है कि वो टाजिमा से भी ब्यूटीफुल बनकर रहेगी, इसलिए अब वो दिन रात बहुत सारी एक्सरसाइज करने लगती है जिससे उसका वेट लूज हो जाए। साथ ही वो बहुत सारे एक्सपेंसिव फेशियल ट्रीटमेंट भी करवाती है। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने फेस को स्कैन करती है। इस बार उसका टैक्स स्टैंडर्ड 30% हो जाता है जिसे देखकर वो एकदम जंप करती है और बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली टाजिमा से ज्यादा ब्यूटीफुल बन गई। पर कुछ ही दिनों में उसकी ये खुशी गायब हो जाती है जब वो अपने बैंक बैलेंस को देखती है जिसमें सिर्फ 2 yen ही रह जाते हैं। उसका मूड और खराब हो जाता है जब वो सुनती है कि टाजिमा ने और सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। पर जब वो उससे मिलने जाती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि टाजिमा प्लास्टिक सर्जरी और सुंदर बनने के लिए नहीं, लेस अट्रैक्टिव बनने के लिए करवाती है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका फ्यून से उसकी ब्यूटी के खर्चे नहीं उठा पा रहा था जिस कारण वो उसे छोड़ देता है। ये सुनकर आइको डर जाती है और सोचती है कि अब इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या। एंड तभी उसका मैनेजर उसे बुलाता है और जॉब से निकाल देता है। इसका कारण वो बताता है कि उनकी कंपनी को ब्यूटीफुल एम्प्लॉयज के कारण एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है जिससे उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्हें सब ब्यूटीफुल लोगों को फायर करना पड़ेगा। अब जल्द ही पूरी कंट्री में जो खूबसूरत की प्रथा थी वो बदल जाती है। लोग अब अगली बनने के प्रोडक्ट्स बेचने और खरीदने लगते हैं जिससे ब्यूटीफुल पीपल अगली दिखने लगे और उनकी जॉब्स बच जाए। सिर्फ ये ही नहीं, अब बॉयज़ भी ब्यूटीफुल वुमेन्स को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छूती है। एक दिन आइको स्ट्रेसफुल होकर एक बार में बैठी होती है, तभी उसको एक मैन अप्रोच करता है। वो आइको की मदद करना चाहता है उसे ब्यूटी टैक्स से बचाने में, लेकिन तभी आइको को एक फोन कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि उसकी मरी हुई माँ उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गई है। पर क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ब्यूटीफुल वुमेन थी इसलिए गवर्नमेंट का ये टैक्स इस संपत्ति पर भी लगता है जिस कारण उसकी विरासत की अमाउंट नेगेटिव वैल्यू में चली जाती है। यानी अब आइको को इस विरासत के लिए गवर्नमेंट को 1 million yen पे करने पड़ेंगे और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी रात आइको उस बार में दोबारा जाती है और उसी आदमी से मिलती है। वो बताता है कि उसका नाम नोनोमोरा है। आइको एंड नोनोमोरा बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं एंड तभी नोनोमोरा उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें ब्यूटी टैक्स अवॉइड करने के लिए अगली बनना होगा और तुम ये थिक आईब्रोज भी यूज कर सकती हो अपने फेस को अगली बनाने में। आइको इस आइडिया से थोड़ी हिचकती है क्योंकि जो भी ब्यूटी टैक्स जानबूझकर अवॉइड करेगा उसे जेल हो जाएगी, लेकिन नोनोमोरा उसे समझाता है कि डरो मत, बहुत सारी लड़कियां इसे ऑलरेडी कर रही हैं
अगले दिन आई को वो थिक आईब्रोज और कुछ मेकअप की मदद से अपने फेस को अगली बना देती है और साथ ही वो अपने बालों को भी एक नकली विक से ढक लेती है। फिर वो टैक्स ऑफिस में जाती है जहाँ वही टैक्स ऑफिसर उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलती है कि अपनी माँ की डेथ के कारण मुझे स्ट्रेस हो गया था जिससे मेरा ये हाल हो गया। फिर वो स्कैनर के आगे अपना फेस स्कैन करती है जिसमें मशीन उसको अगली डिक्लेयर कर देती है। फाइनली आइको को प्रीटी वुमेन की लिस्ट से हटा दिया जाता है जिस कारण उसे अब और ब्यूटी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और वो साथ ही 1 मिलियन यान कर्जे से भी बच जाती है। आइको को लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो गई है और वो जल्दी से नोनोमोरा को कॉल करती है और उसे इस सब के बारे में बताती है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही अपने घर पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इन्वाइट भी करता है एक नाइस ड्रेस में। आइको ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वो सोचती है कि ऐसे समय में भी कोई उसकी ब्यूटी की कदर करता है। अब वो उससे मिलने जाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है और वो उससे मिलने जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी दो लोग उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं। वो उसे अरेस्ट करने आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आइको ब्यूटी टैक्स अवॉइड कर रही है और साथ ही वो उसको ये बताते हैं कि नोनोमोरा एक ठगी है जो ब्यूटीफुल वुमेन्स को फंसाकर उनकी विरासत हथिया लेता है। यहाँ पता चलता है कि उसको आइको में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस उसकी विरासत हथियाना चाहता था। आइको को अब 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है जहाँ वो अकेली है और डिप्रेस्ड हो चुकी है कि कैसे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वहाँ उसे उसकी जैसी एक वुमेन मिलती है जो इसी कारण से जेल आई होती है। आइको यहाँ महसूस करती है कि काश मैं जन्म से ही अगली होती तो मैं उस मुसीबत में कभी ना फंसती, पर उसकी जेल मेट उसे बोलती है कि हम रियलिटी से बच नहीं सकते। हम दोनों इस मुसीबत में अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच की वजह से फंसे हैं। वो बोलती है कि हम ज़्यादा खूबसूरत होने के चक्कर में असली खुशी को ही भूल गए। आइको इसकी बातों से बहुत इंस्पायर्ड होती है और डिसाइड करती है कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगी तो अपनी फेस के बजाय अपने दिल को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने पे फोकस करेगी। अब फाइनली 2 साल पूरे हो जाते हैं और आइको वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। इस बार वो अपने आप को काइंड बनाने पर फोकस करती है। वो देखती है कि एक छोटी लड़की आइसक्रीम घिरने से रो रही है एंड तभी वो उसको वहाँ चुप करवाने जाती है और उसके लिए एक नई आइसक्रीम खरीदने जाती है और साथ ही ब्यूटी टैक्स भी पे करती है। लेकिन इस बार शॉपकीपर उसे एक्स्ट्रा मनी वापस कर देता है और बोलता है कि तुम अब उतनी खूबसूरत नहीं रही कि तुमसे ब्यूटी टैक्स लिया जाए और साथ ही वहाँ कुछ खड़े बच्चे उसे अगली अगली बोलने लगते हैं, पर आइको उन्हें समझाती है कि वो अभी भी बहुत खूबसूरत है। और तभी उसे पता चलता है कि अब ब्यूटी स्टैंडर्ड पूरी तरह से बदल चुका है। ब्यूटी टैक्स के कारण पिछले 2 सालों से अगली वुमेन्स को बॉयज़ ज़्यादा पसंद कर रहे थे इसलिए इन्हें अब ब्यूटीफुल वुमेन से ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है। आइको इस नए बदलाव को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो उसी छोटी लड़की को नई आइसक्रीम देने जाती है लेकिन वो उसे मना कर देती है आइको की अगलीनेस के कारण। और यही इस मूवी का एंड होता है। सो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड गाइस इफ यू रियली लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।